नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार। मैं उज्ज्वल झा मौजूद हैं चनहटी में। जी हाँ, चनहटी एक गांव है और यहां पर भी एक कोरोना पेशेंट मिला है। जी हाँ, शहर से छोड़ अब गांव में भी कोरोना का कहर जारी हो गया है। बीते दिन आपने सुना होगा कि फरीदपुर में निकला था, लेकिन बरेली में अब चनहटी गाँव में भी पहुँच गया है कोरोना। तो यहाँ पर एक पेशेंट जो कि दिल्ली से आया हुआ था और यहाँ पर जांच कराने के बाद पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक का 250 मीटर का एरिया जो बताया जाता है हॉटस्पॉट बनेगा, वो यहाँ पर कहीं से कहीं तक नहीं दिखा। दूर तक हम आपको दिखाएंगे तो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, आराम से टहल रहे हैं, पता नहीं लगा पा सकते हैं कि यहाँ पर हॉटस्पॉट है या कोई कोरोना पेशेंट मिला है। हम दूसरी तरफ भी दिखाएंगे आपको कि दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि लोग घर से बाहर निकले हुए हैं। और प्रशासन की बात करेंगे अब तो प्रशासन की ओर से अभी तक यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है, बैरिकेडिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ तक कि जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं वो भी इस बात को लेकर बड़े परेशान हैं कि आखिर हम लोग करें तो करें क्या। जी हाँ, कुछ क्षेत्रवासी आप देख भी सकते हैं कि जब अमृत विचार की टीम पहुँची यहाँ पर तो कुछ क्षेत्रवासी ज़रूर यहाँ पर बाहर निकले घर से, और साथ ही में यहाँ के जो गाँव के प्रधान हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। हम जानना चाहेंगे इनसे कि क्या इन्होंने इन्फॉर्म किया था या नहीं किया था, और किस तरीके से अभी तक कोई क्यों नहीं पहुंचा है। फिलहाल तो हम बात करेंगे यहाँ के क्षेत्र के जो प्रधान हैं, ग्राम प्रधान हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटे लाल है, मेरी पत्नी प्रधान है। अच्छा छोटे लाल जी, ये बताइए किस प्रशासन से किस तरीके की आप लोगों को सुविधाएँ मिली हैं अभी तक, जब से आप लोगों को पता चला कि जैसे रात से पता चला था मान लीजिए कि हमारे गाँव में एक मरीज मिला है, तो मरीज तो 4-5 दिन का वहीं पर है हॉस्पिटल में। उसके बाद में जब गांव में पता चला तो यहाँ पर सब आए थे, इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, थाना कैंट की टीम भी आई थी, हम भी आए थे। तो उनका जो है जो घर पे और लोग थे वो तो यहाँ से चले गए थे, मरीज भी चला गया, तो एम्बुलेंस भी बुलाई थी तो उनके घर पर कोई नहीं मिला। उसके बाद में मैंने खुद अपने कंधों पे सैनिटाइज़र दांत की मशीन और मैंने पूरा मोहल्ला कर दिया था सैनिटाइज़र, उनका घर भी करा। उसके बाद में सुबह बैरिकेडिंग करने के लिए मैं खुद लगा, अपने आप से थोड़ी बहुत हुई है। उसके बाद में मतलब मोहल्ले वाले लड़ने लगे कि भाई तुम कौन होते हो ऐसे गली बंद करने वाले, तो मेरे पास कोई ऐसा जवाब नहीं था, मैं क्या जवाब दूँ, मेरे पास कोई पुलिस फोर्स था नहीं, तो इसलिए मैं चुपचाप खड़ा हो गया। अभी तक तो कोई आया नहीं है, करीब 2-3 बजने वाले हैं, कोई प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया अभी। देखिए, साफ तौर पे जो ग्राम प्रधान है उनका यही कहना है कि प्रशासन की ओर से जो भी सुविधाएं यहाँ पर मिलनी चाहिए या कोई भी एक पुलिस कांस्टेबल बैठना चाहिए या किसी भी तरीके की जो हॉटस्पॉट के नियम जो होते हैं, इस तरीके का कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं मिली। और अगर इन्होंने खुद भी प्रयास किया कि हम बैरिकेडिंग कर लेते हैं या इस तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया के जब करने लगे, तो जाहिर सी बात है क्षेत्रवासी इनके ऊपर हावी हो गए। कुछ क्षेत्रवासी भी हैं हमारे साथ में यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इतना बड़ा जो कोरोना कहर है ये, इसमें कैसा क्या डर लग रहा है इन लोगों को, कि किस तरीके का डर है या भय है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा अनिल कुमार नाम है। क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल जी, ये बताइए एकदम से जब पेशेंट निकला तो कहीं ना कहीं मन में एक डर हुआ होगा। बीमारी से तो भयभीत है पब्लिक, बीमारी की वजह से पूरी दुनिया ऐसे। क्या लगता है आपको कि प्रशासन की ओर से कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी यहाँ पर? बिल्कुल होनी चाहिए थी, लॉक होनी चाहिए थी, कोई लॉक नहीं हुआ, पब्लिक का आना जाना जारी है, इसे बीमारी के बढ़ने का अंदेशा है। देखिए, साफ तौर पे कहना है कि अगर इसी तरीके का रहा तो कहीं ना कहीं जो बीमारी है, हालांकि अभी एक निकला है, अगर इसी तरीके का रहा, अगर कोई सिक्योरिटी नहीं मिली हम ग्रामवासियों को, तो कहीं ना कहीं और बीमारी दूसरा रूप भी ले सकती है। कुछ क्षेत्रवासी और भी हैं यहाँ पर जिनसे कि हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरपाल। अमरपाल जी, ये बताइए जब ऐसा पता चला आप लोगों को तो किस तरीके का लगा? सर, एक बहस हम लोग प्रतीत होगा कि एक आखिर हम लोग इतना लोगों को सतर्क करने के बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। अभी हम लोगों यहाँ का, मैं उच्चतर विक्रेता श्रीमती नीति चौरसिया जो कोटेदार, उनका पति हूँ मैं दुकान चलाता हूँ, और दुकान के माध्यम से ग्रुप में हम लोग ग्रुप बनाए हुए हैं, उसके माध्यम से हम सूचित करते रहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता रहें, और जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनका हम लोग को ध्यान देना चाहिए। प्रशासन के बारे में क्या कहना? प्रशासन के बारे में हमारे प्रधान जी ने भी बताया कि यहाँ पे प्रशासन का अभी सुबह से प्रधान जी लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं अभी, जबकि यहाँ पे कोई कॉन्स्टेबल होना चाहिए
और जो बैरिकेडिंग है उसका भी अभी नहीं हुआ। आप देख रहे हो कितना एरिया आप बिल्कुल सपाट दिख रहा है, ना कोई कांस्टेबल है, ना कोई शासन प्रशासन वाली कोई सुविधा है जिससे हम लोगों को वो राहत मिले। ये है तो देखिए साफ तौर पे आप लगातार सभी के मुंह से यही सुनना होंगे कि किसी भी तरीके की कोई सुविधा ना मिलने के कारण जो लोगों में डर है वो कहीं ना कहीं और बढ़ गया है। हालांकि अगर प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कोई पुलिस कांस्टेबल या कुछ इस तरीके की प्रतिक्रिया होती तो लोगों में जो डर होता है वो ज़रूर होता, और जो लोग बेवजह अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना कितना ख़तरनाक है तो वो घर से ना निकलते। लेकिन लोगों की बात बताते चलें कि लोग मानने को तैयार नहीं है, यहां तक कि जो ग्राम प्रधान है उन्होंने अपने तरफ से अगर बांस बल्ली बैरिकेडिंग करने की कोशिश की तो क्षेत्रवासी इनसे लड़ पड़े और साफ तौर पर कहने लगे कि आप होते कौन हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को जरूर इनके साथ होना चाहिए था कि इनका भी मनोबल बढ़ता, और साथ ही में जो सैनिटाइज की बात करेंगे तो वो भी सैनिटाइज इन्होंने अभी तक अपने पास से ही करवाया है पूरे क्षेत्र को, उस गली को, उस गली में जहां पर कोरोना मरीज मिला था, और फिलहाल तो उसको क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है, उनके परिवार वालों को भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हॉटस्पॉट जैसी व्यवस्था जो कहते हैं वो अभी यहाँ अभी तक नहीं देखने को मिल रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अमृत विचार।